नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी की टोटल निकासी के बारे में। अगस्त के महीने तक टोटल कितनी निकासी हो चुकी है? अभी सितंबर चल रहा है, आज सितंबर लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है और ये रिपोर्ट को लाने में मुझे एक हफ्ते का टाइम लगा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग काफ़ी लेट आ रही है और आप लोगों को शायद रिपोर्टिंग मिल चुकी है, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर बहुत जगह के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इसके बावजूद भी अगर कोई सा डिस्ट्रिक्ट रह रहा है उसके बारे में नीचे कमेंट बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में उसकी भी जानकारी दी जाए। और देखिए, ज़्यादातर कहीं के लोगों से संपर्क ना होने के कारण उनकी रिपोर्टिंग नहीं आ पाई है, बस इतना हो सकता है। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है, जहाँ जहाँ ज़्यादातर ज़्यादा आलू होता है वहाँ की तो सब जगह की रिपोर्टिंग है। और देखिए, रिपोर्टिंग जो होती है उसमें हम कुछ कोल्ड वाले, कुछ किसान और कुछ कोल्ड में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा हम लेते हैं। और कोल्ड की भी तीन कैटेगरी होती हैं। एक होती है टॉप क्वालिटी की कोल्ड, जो टॉप 10 में आते हैं, जिनको आप बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कोल्ड है, इलाके का बहुत अच्छा कोल्ड है। और कुछ कोल्ड हमने वो लिए हैं जो मीडियम क्वालिटी के होते हैं, ना तो वो अच्छे होते हैं ना फिर बुरे होते हैं, मीडियम होते हैं। और कुछ कोल्डों का उनका भी जायजा लिया है हमने, जो लो क्वालिटी के लोग मानते हैं कि ये तो रद्दड़ कोल्ड है, उन कोल्ड की भी निकासी के बारे में हमने जानकारी जुटाई है। तो सभी लोगों की जानकारी जुटाने के बाद ये रिपोर्ट आपको तैयार की गई है। नीचे आपको कमेंट में बताना है कि रिपोर्ट यही है कि इसके ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। और अनुमानित रिपोर्ट होती है, आप लोगों को तो पता ही है, ज़्यादातर हर जगह की अनुमानित ही होती हैं, ठीक है, एक दो जगह को छोड़कर। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं यूपी की एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, एक एक जगह के बारे में कितनी कितनी निकासी हो चुकी है। और मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि 2022 में कितनी निकासी थी और 2023 में कितनी निकासी है, आप लोगों को पूरा कंफर्म करके चलना है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई 2023 में कितनी निकासी थी और अगस्त 2023 में कितनी निकासी हो चुकी है। और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको स्क्रीन पर सब कुछ यहाँ पर दिखता जाएगा, ठीक है। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपी की अगस्त तक की निकासी रिपोर्ट के बारे में। तो मैं बात करूँगा अलीगढ़ के बारे में और बताऊँगा जुलाई में 2023 तक कितनी हो पाई थी और अब अगस्त में कितनी हुई है। अलीगढ़ की जो निकासी है जुलाई में वो 26 से लेके 29% के आसपास बताई गई थी और अब अगस्त के महीने में 38 से लेके 40% अलीगढ़ की निकासी बताई जा रही है। अब मैं बात करता हूँ सासनी की। सासनी में 26 से 27% जुलाई के महीने में थी, अब अगस्त के महीने में 37 से 38% निकासी है। हाथरस की बात करें, हाथरस में 27 से लेके 29% बताई गई थी और अब अगस्त में 38 से लेके 40% निकासी यहाँ हो गई है। खैर की बात करें, खैर में 26 से 27% बताई गई थी जुलाई में और अब 39 से 40% हो चुकी है। मथुरा की बात करें, मथुरा में किसान भाइयों 23 से लेके 25% निकासी बताई गई थी, जो कि काफ़ी कम थी इधर ये क्षेत्र में, अलीगढ़ हाथरस मथुरा में सबसे कम मथुरा की थी, आगरा तक सबसे कम मथुरा की निकासी थी। लेकिन अब जो मथुरा की बताई जा रही है अगस्त के महीने में 35 से लेके 37% निकासी बताई जा रही है। इगलास की बात करें तो इगलास में 28 से लेके 30% बताई गई थी जुलाई में और अगस्त में बताई गई है इगलास की 39 से लेके 41%। काफ़ी लोग जिस जगह के हों, जिस डिस्ट्रिक्ट के हों, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालते हुए या जगह का नाम डालते हुए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इस जगह की सही बताई है या नहीं बताई है, ठीक है। और इससे भी काफ़ी कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे किसान भाई, जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, वो क्या बताना चाह रहे थे इसके बारे में। कासगंज की बात करें, कासगंज में जो जुलाई महीने तक 25 से लेके 27% थी, अगस्त महीने तक 37 से लेके 39% लगभग हो चुकी है। और संभल की बात करें, संभल में 27 से लेके 28% थी जुलाई के महीने में, अब अच्छी खासी निकासी थोड़ी हुई है तो अब हो गई है संभल की 39 से लेके 42%, ठीक है। संभल के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आलू बेच रहे हैं और उनका जो हाईब्रिड आलू है उनमें काफ़ी दिक्कत है, तो इस वजह से वहाँ आलू बिक रहा है। और बदायूं की बात करें, बदायूं की 28 से 30% थी जुलाई में और अब बदायूं की 42 से लेकर 44% की निकासी की रिपोर्ट आ रही है, जो कि हमने काफ़ी लोगों से जानकारी जुटाई है। सादाबाद की बात करें, सादाबाद में 34 से लेकर 36% थी जुलाई महीने तक और अगस्त महीने तक यहाँ पर 45 से लेकर 48% यहाँ हो चुकी है। अब बात करते हैं खदौली की। खदौली में किसान भाइयों 35 से लेकर 37% थी जुलाई महीने तक, लेकिन अगस्त होते होते यहाँ निकासी हुई है 46 से लेकर 48%। अब बात करते हैं सिरसागंज की। सिरसागंज में 27 से लेकर 28% थी जुलाई तक और अगस्त के महीने तक 39 से लेकर 40% की सिरसागंज में लगभग निकासी हो चुकी है। अब बात करते हैं शमशाबाद की। शमशाबाद में 32 से लेकर 34% थी जुलाई महीने की और अगस्त महीने की 43 से लेकर 46% की यहाँ पर रिपोर्टिंग बताई गई है। फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद में 30 से लेकर 32% निकासी थी जुलाई महीने तक और अगस्त महीने तक 42 से लेकर 44% निकासी का आंकड़ा बताया गया है,
जो कि काफ़ी लोगों द्वारा जानकारी जुटाई है। किरावली की बात करें 30 से लेकर 32% जुलाई महीने तक थी और अगस्त के महीने तक 41 से लेकर 43% निकासी हो चुकी है। अब बात करते हैं टूडला की। टूडला में 28 से 30% थी। टूडला में किसानों को पैसा भी कम मिला तो निकासी भी कम हुई थी। 28 से लेकर 30% जुलाई महीने तक थी, अब हो चुकी है 39 से लेकर 42%। और मैनपुरी फिरोजाबाद की बात करें 26 से लेकर 27% थी और अब हो चुकी है अगस्त महीने तक 38 से लेकर 40% की। अब फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद में जुलाई महीने तक काफ़ी कम निकासी थी, 20 से लेकर 22% केवल। ठीक है, वो मैंने आपको पिछले महीने की रिपोर्ट में बताया भी था। लेकिन फर्रुखाबाद की अगर अगस्त तक की बात करें, अगस्त महीने तक 32 से लेकर 36% अभी निकासी हो पाई है। और कन्नौज की बात करें, कन्नौज में 24 से लेकर 26% थी जुलाई तक और अब हो चुकी है 35 से लेकर 38%। अब बात करते हैं छिबरामऊ की। छिबरामऊ में 22 से लेकर 23% निकासी थी और अब तक हो चुकी है अगस्त महीने तक 34 से लेकर 37% तक। अब बात करता हूँ कानपुर की। कानपुर की निकासी जुलाई महीने तक 26 से लेकर 28% थी और अब हो चुकी है 37 से लेकर 39%। अब मैं बात करता हूँ प्रयागराज की। प्रयागराज में 19 से लेकर 21% थी, जो कि सबसे कम निकासी थी प्रयागराज में जुलाई महीने तक। अगस्त होते होते यह निकासी हो चुकी है 32 से लेकर 35%। अब मैं बात करता हूँ बाराबंकी की। बाराबंकी में जुलाई महीने तक 23 से लेकर 25% थी, अब हो चुकी है 40 से लेकर 42%। क्योंकि बाराबंकी में काफ़ी लोगों ने डर की वजह से मान सकते हो या पैसे की ज़रूरत की वजह से मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो, इस वजह से वहाँ के लोगों ने काफ़ी हद तक ज़्यादा निकासी करने की कोशिश की है बाराबंकी के किसानों ने। और बहुत लोगों द्वारा मैंने जानकारी जुटाई है बाराबंकी के किसानों द्वारा, और बाराबंकी के किसान जो जुड़े हैं बता सकते हैं। उन्नाव की बात करें, 23 से लेकर 29% थी जुलाई महीने तक, अब अगस्त महीने तक 36 से लेकर 40% की यहाँ पर निकासी बताई गई है। एटा की बात करें, एटा में 28 से लेकर 29% थी, अब बताई गई है लगभग 40 से लेकर 42% अगस्त महीने तक। तो किसान भाइयों, लगभग मैंने 25-26 जगह के यहाँ पे आंकड़े लिए हैं। इनको आंकड़े को लेने में भी एक हफ्ते का टाइम लग चुका है। सीधी बात तो ये है, आप लगा सकते हो। देखिए, रिपोर्ट देने को तो आपको एक दिन में दी जा सकती है, लेकिन अच्छी रिपोर्ट देने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। सीधी बात तो ये है, तो मैं थोड़ा इंतजार किया है, लेकिन रिपोर्ट आपके लिए जो लेके आए हो आप बताना। अब इसका हम आकलन करते हैं टोटल। तो देखिए, अगर जुलाई का 2023 तक का हम टोटल निकालें तो 27 से लेकर 28% ऑल ओवर यूपी था, मतलब जो निकासी हो गई थी। अब इसका जो हम निकालेंगे वो 100% में से निकालेंगे। पिछली बार एक मिस्टेक हो गई थी, हमने 93-94% का ही वो परसेंट निकाला था, लेकिन परसेंटेज जो निकलती है वो 100% से निकलती है हमेशा। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जुलाई महीने तक की 2023 तक की निकासी 27 से लेकर 28% थी, लेकिन अगस्त महीने तक की टोटल निकासी हो गई है 39 से लेकर 42% तक। ठीक है, टोटल इसका जो निकालेंगे तो 39 से लेकर 42% तक यह आ चुका है। यानी टोटल यूपी अब तक 39 से लेकर 42% तक की निकासी हो चुकी है ऑल ओवर यूपी की। अब यहाँ पे अगर इसकी परसेंटेज निकालें कि अगस्त अगस्त महीने में कितनी हुई है, तो अगस्त महीने में जो निकासी का आंकलन आ रहा है 12.14% के आसपास निकासी का आ रहा है। मतलब 12.25% निकासी अगस्त के महीने में हुई है, जबकि अगस्त के महीने में 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक काफ़ी डाउन चला था। 1 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक काफ़ी भारी निकासी हुई थी, फिर 21-22 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक काफ़ी अच्छी निकासी हुई है। अब चल रहा है सितंबर, सितंबर के पहले हफ्ते में निकासी का रुझान काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। दूसरे हफ्ते में थोड़ी सी कुछ मामूली रुकावट देखी जा सकती है, किसी भी कारण आप मान सकते हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपेयर करके 2022 से लेके और 2023 का। ठीक है, अब इसका थोड़ा कंपेयर भी करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा अगस्त 2022 और अगस्त 2023 कितनी निकासी हुई थी, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करें तो अगस्त 2022 में, अब मैं यहाँ पे हर जगह का नहीं बताऊँगा, केवल जैसे आगरा की काफ़ी जगह आती है आगरा में, तो आगरा का बता दिया, अलीगढ़ का बता दिया, इस हिसाब से बताऊँगा। तो आगरा में 2022 में 44 से लेकर 48% निकासी हो गई थी अब तक। ठीक है, लेकिन 2023 में निकासी 41 से लेकर 44% का आंकड़ा आ रहा है यहाँ पे। तो केवल 3 से लेकर 4% आगरा की निकासी कम है पिछली साल की अपेक्षा। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 35 से लेकर 38% निकासी हो गई थी इस समय तक 2022 में, लेकिन 2023 में 40 से लेकर 42%। 2022 की अपेक्षा 2023 में निकासी ज़्यादा हुई है बाराबंकी में, 4-5% ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि पिछली साल 2022 में कोल्ड जो खुले थे वो लेट खुले, इस बार कोल्ड भी जल्दी खुले, लेकिन बाद में आके किसानों ने काफ़ी निकासी भी की है। फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद में 35 से लेकर 40% थी पिछली साल
और इस साल अब तक निकासी हुई है अगस्त महीने तक 32 से लेकर 36%, 3 से लेकर 4% निकासी थोड़ी कम है इस बार 2023 में। कन्नौज की बात करें 35 से लेकर 38% हो गई थी 2022 में और अब तक हो गई है 35 से लेकर 38%, लगभग बराबर है, कन्नौज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अलीगढ़ की बात करते हैं, अलीगढ़ में 40 से लेकर 43% थी पिछली साल, इस साल लगभग 2023 में 38 से लेकर 40% हो पाई है अगस्त तक। कहने का मतलब 2 से 3% कम है, लेकिन अलीगढ़ की निकासी इससे भी ज़्यादा हो जाती अगर ये कोल्ड सही समय पर खोलते, लगभग 20 दिन लेट कोल्ड खुले हैं व्यापारी और कोल्ड वालों के झगड़े के चक्कर में, 52 किलो 50 किलो की तौल भाड़ा इतना लेंगे इस चक्कर में, नहीं तो यहाँ पर निकासी और ज़्यादा हो जाती, ठीक है। अब बात करते हैं हाथरस की, हाथरस में 40 से लेकर 42% निकासी थी 2022 में अगस्त महीने तक, लेकिन इस बार अगस्त महीने तक 38 से लेकर 40%, कहने का मतलब केवल 2% कम है। मथुरा की बात करें 38 से लेकर 40%, लेकिन इस बार 2023 में 35 से लेकर 37% और 3% कम है लगभग। सिरसागंज की बात करें 40 से लेकर 42% हो गई थी 2022 में, अगस्त 2023 में 39 से लेकर 40%, 1 या 2% कम आ रही है। संभल की बात करें 42 से लेकर 45% हो गई थी और इस बार 39 से लेकर 42%, 2 से 3% कम है। देखिए संभल में पिछली बार आलू दागी बहुत हुआ था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, आलू रखने के तुरंत बाद निकालना भी पड़ रहा था लोगों को, ये हालत थी। तो 2-3% अगर पिछली बार ज़्यादा थे, इस बार कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब निकासी काफ़ी अच्छी तरह चल रही है। अब देखिए इसका टोटल मैं निकालूं, पिछली साल 2022 और 23 की अपेक्षा कितना परसेंट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 से 3% कम निकासी है, केवल 2 से 3% 2023 में कम है पिछली साल की अपेक्षा। अब देखिए यहाँ पे केवल 2-3% तब कम आ रही है ये निकासी, जबकि पिछली बार 2022 में इतना ज़्यादा आलू का भाव भी था और आलू दागी भी हो रहा था और आपके यूपी से आलू हर जगह जा भी रहा था। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहेंगे कि 1-2% ही तो है, लेकिन यूपी का 1-2% थोड़ा सही भी होता है, आप ये मान सकते हो, ठीक है, थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, यूपी का 1-2% भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमने लगभग कवर कर लिया है। अब सितंबर की भी निकासी काफ़ी अच्छी हमारे किसान भाई कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारे किसान भाई आगे भी अच्छी निकासी करेंगे, जिससे देखिए अगर आप लगभग अभी निकासी सही कर लोगे तो आने वाले टाइम में आपका ही आलू सही बिकेगा, सीधी बात तो ये है, क्योंकि इस समय ना तो व्यापारी के पास आलू है ना और किसी के पास आलू है, आलू है केवल किसान के पास। तो किसान को ही अगर अपना आलू आग पीछे भी सही करना है तो अभी अच्छी निकासी हमें करनी होगी। अब काफ़ी लोग तो कह देते हैं कि मैंने तो अभी आलू नहीं बेचा, अब भाई नहीं बेचो, आप तो लास्ट तक मत बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे को आज की डेट में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने 1% अगर आलू ना बेचा हो। तो देखिए ये तो सब कहने वाली बात होती है कि मैंने नहीं बेचा, मैं तो बेचूंगा ही नहीं अभी, ये सब भ्रम वाली बात होती है, लेकिन हमारे किसान भाई अपना जरूरत के हिसाब से आलू बेच रहे हैं। अब काफ़ी किसान भाइयों को धान में लागत लगानी है, काफ़ी किसान भाइयों को आलू की बुआई करने के लिए पैसा चाहिए या DAP खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं पैसे की अब जरूरत पड़ रही है, तो हर कोई बेच भी रहा है। और देखिए सीधी बात यह है कि हम 2022 से कंपेयर कर रहे हैं, अब 2022 में तो भाई अगर सितंबर के महीने में बारिश ने तूफान मचा दिया था, लेकिन अभी कुछ नहीं है, सूखा पड़ रहा है, इसके बावजूद भी हम लगभग उस निकासी के आसपास पहुंच चुके हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमारे किसान भाइयों का पूरा सहयोग है। तो किसान भाइयों ये जो मैंने आपको रिपोर्टिंग दी है कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, हमारी रिपोर्टिंग आपको कैसी लग रही है या मेहनत हम कैसी कर रहे हैं ये भी आपको नीचे कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, देखिए रिपोर्टिंग लाने में समय भी लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए सही रिपोर्टिंग लाने की मैं कोशिश करता हूँ, और जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता होती है या मेरे पास नई रिपोर्टिंग आती है उस चीज़ के बारे में मैं बताने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब अच्छी जानकारी नहीं है तो बताना भी सही नहीं है, किसानों के लिए गलत इन्फॉर्मेशन जाए, उससे बढ़िया है तो बताओ मत, सीधी बात तो ये है। और देखिए किसान भाइयों मैं अब सितंबर की कोशिश ये करूँगा कि 2-3 दिन में या 4-5 दिन में आपके लिए रिपोर्ट दे दूँ, और 1 हफ्ते का टाइम ना लूँ, 1-2 दिन पहले ही आपको रिपोर्ट देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं विकास गोड रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में।